हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल राज। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी नाउ DSL यानी डोंट स्टॉप लर्निंग पर। तो आज का जो सवाल है, आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड योर एज, यानी कि अपनी उम्र कैसे पता करें कि आपकी उम्र जब से आपका जन्म हुआ है तब से आपकी उम्र आज कितने दिन हो गई है। या आपसे सवाल हो सकता है कि वॉट इज़ योर एज, मतलब आपकी उम्र कितनी है। तब आप पता करेंगे कैसे कि आपकी जो उम्र है वो कितने दिन, कितने महीने और कितने साल की हो गई है। तो ये निकालने के लिए हमें हमारा जन्मदिन याद होना चाहिए, ठीक है, और हमारा आज का यानी कि वर्तमान डेट याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे दोनों चीज़ लिख रखे हैं पहले से, और आपको पता होना चाहिए कि पहले दिन घटाना है, फिर महीना, और उसके बाद साल को घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि 10 से 15 तो घटेगा नहीं, तो इसको कैसे घटाना है। तो यहीं पे समझने वाली बात है कि जब भी महीना अगर किसी अगले को पहचा देगा, ठीक है, तो पहचा देने के उपरांत ये क्या करेगा, तो एक महीने में कितने दिन होते हैं, तो 28 दिन भी होते हैं, 29 दिन भी होते हैं, 30 और 31 दिन भी होते हैं। लेकिन हमें वो नहीं करना है, हमें क्या करना है कि जब भी हम महीने से दिन में पहचा लेंगे तो आपको यहाँ पे ले लेना है कितना, तो 30 दिन आप ले लीजिएगा, ठीक है, और 30 इसमें ऐड कर लीजिएगा। जैसा कि यहाँ आप देखिए, अगर 10 में से 7 घटाना होता तो घट जाता, लेकिन यहाँ 10 से 15 घटाना है, तो 10 से 15 घटाने के दौरान घटेगा नहीं, तो यहाँ 1 से इसको पैंचा दिया जाएगा। तो 1 पैंचा देगा तो महीने से दिन में पैंचा दे रहा है, तो यह 30 पैंचा देगा, 1 यहाँ से देगा इधर, लेकिन इसके पास आके 30 बढ़ेगा, तो 30 और 10 ये 40 हो गया। 40 में से अगर हम 15 घटाएंगे तो 25, ठीक है। आगे बढ़िए, अब ये महीना जो बचा, महीना तो अब यहाँ पे कुछ नहीं रहा क्योंकि इसने 1 पैंचा दे दिया था बगल में, अब ये तो 0 0 हो गया। तो 0 0 में से 8 हमको घटाना है, तो क्या घट पाएगा, नहीं घटेगा। तो हमें 2022 में से एक कैरी करके इधर देना है। और एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिए कि जब भी साल पैंचा देगा तो एक ही देगा, लेकिन यहाँ जो महीने के पास आके बढ़ेगा वो बढ़ेगा 12, ठीक है। तो यहाँ तो था मेरा 0 0 0 0, यानी कि 0 0 था, लेकिन अब यहाँ से पैंचा दे दिया तो ये 12 हो गया। तो 12 में से 8 जाने के दौरान कितना बचेगा, तो 12 में से 8 जाने के दौरान बचेगा 4, ठीक है। अब ये कितना बचा, तो ये हो गया 2021। उसके बाद अगर आप घटा दीजिएगा तो यहाँ पे 74 आ जाएगा, नहीं तो मैं करके दिखाता हूँ। 1 से 7 को घटा नहीं सकते हैं आप, क्योंकि ये एक ही बचा ना, 2021 बचा, एक तो कैरी कर दिया था उधर। तो आइए, 1 से 7 जाएगा नहीं, एकदम ही पैंचा बचेगा, तो पैंचा लेगा, मतलब पैंचा तो कहाँ से लेगा यार, बगल से ही लेगा ना ये अपने में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 7 जाएगा 4, ये बचा 1, एक ना ही पैंचा इधर से लेगा, तो ये बचा 11, 11 में से 4 जाएगा, तो ये हो गया 7, ये 9 बचेगा, 9 से 9 जाएगा, ख़त्म हो गया, और ये 1 से 1 ख़त्म हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इसकी जांच हम करेंगे कैसे, ठीक है। अगर मैं कह दूँ कि ये इतना करने के बाद हम बतला सकते हैं कि जो मेरा डेट ऑफ बर्थ था, यानी कि आज़ादी का दिन है भाई, 15/8/1947, 15 अगस्त 1947, आप जानते हैं आज़ादी का दिन है, उस दिन से अगर आज के दिन का मिलाया जाए तो आज हमारा 25 दिन 4 महीने और 74 साल हमारे आज़ादी के पूरे हो गए हैं, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है कि अमृत महोत्सव चल रहा है, ये हमारा 75वां स्वतंत्रता साल से आज तक का ये 75वां साल चल रहा है हमारा। अगर हम ये चाहें कि भाई अब इसको साबित कैसे करें, तो कुछ आप ध्यान देने वाली आपको बातें हैं जो पहले हम इधर बता दें, तब इसको साबित करने की तरफ चलेंगे। तो पहले यहाँ पे देखिए कि हम क्या करते हैं, अगर 5 में से 2 घटाएं तो आता है हमारा 3, तो इसको साबित करने का क्या तरीका है। तो फिर 3 में 2 जोड़ दो या 2 में 3 जोड़ दो, 5 आना चाहिए, जैसा कि हमने यहाँ करके दिखाया है आपको। यहाँ पे देखिए, 9 में से 3 घटाया तो 6 आया, तो इसको साबित करने का क्या तरीका होता है भाई, कि 6 में 3 जोड़ दो, 9 आना चाहिए, आया है। तो उसी प्रकार से हम करेंगे यहाँ कि इसमें से इसको हमने घटाया था तो इतना आया था, तो अब हमें इसको रिवर्स ले जाना होगा, यानी कि इसमें इसको जोड़ने पर ये ऊपर वाला आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको चेक करते हैं। यहाँ देखिए, दिन है, महीना है और साल है, हमने ये दोनों को लिख रखा है, एक
चीज़ मैं आपको बता दूं, इन दोनों को हम यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई 15 में 25 जोड़ेंगे तो आ गया 40, ठीक है। 8 में 4 जोड़ेंगे तो आ गया 12, और 1947 में 74 जोड़ेंगे तो आ गया 2021। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ तो था 10/1/2022, लेकिन यहाँ तो आपका आया नहीं 40/12/2021, अभी रुको तो जरा। तो आप हमें बताओ कि 40 दिन को अगर हम तोड़ मरोड़ दें, ठीक है, तोड़ मरोड़ दिए 40 दिन को, तो कितना आएगा? 1 महीने 10 दिन आएगा क्या? तो यहाँ पे हम, यहाँ से अगर हम ये 40 से अगर हम 1 महीना बाहर ले जाएं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यार? ये 13 ही तो हो जाएगा ना। 40 से अगर हम 1 महीने को बाहर ले जाएं तो यहाँ 10 बच जाएगा, 10, और यहाँ पे हो जाएगा 13, महीने के जगह 13 हो जाएगा, क्या नहीं? और ये हो जाएगा 2021 आपका। तो 10 को 10 लिखो आप, 13 को 13 लिखा जा सकता है? अगर किसी भी साल में 13 महीने होते नहीं हैं, 12 ही महीने होते हैं ना, तो यहाँ पे, यहाँ से आप 12 महीने अगले वाले में ले जाओ, यहाँ एक छोड़ दो, और 12 महीने अगले वाले में ले जाओगे तो 2022 तो हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? 10/1/2022 आया क्या? आ गया, देख लो। अब देखो भाई, ये तो हमने बतला दिया, आप भी देख लिए होंगे, आपको समझ में आया या नहीं? अगर नहीं आया तो इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए और आप इसको चेक करिए। अब आपको नीचे ये दो कुछ सवाल दिए गए हैं जो आपको बनाने हैं। आर यू ट्राई सम क्वेश्चंस करके दो सवाल दिए गए हैं, आप इन दोनों सवाल को ट्राई करें, हमें कमेंट में इसका आंसर भेजें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।